छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन भिलाई 3 चरोदा निगम क्षेत्र के वार्ड 40 गनियारी एवं वार्ड 6 उमदा के साथ अनेक वार्डों में किया गया। निगम महापौर निर्मल कोसरे एवं महापौर परिषद सदस्यों की उपस्थिति में हरेली पर्व पर ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया था, जिसके पश्चात निरंतर विभिन्न वार्डों में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। महापौर निर्मल कोसरे सहित परिषद सदस्य की उनकी टीम के द्वारा वार्ड 13 गांधीनगर, वार्ड 14 नेहरू नगर, वार्ड 15 बजरंग पारा, वार्ड 16 बाजार चौक, वार्ड 8 महामाया पारा, वार्ड 9 शीतला पारा, वार्ड 10 शांति नगर तथा वार्ड 11 विद्युत मंडल वार्ड में चल रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लगभग सभी खेल मैदान पर महापौर निर्मल कोसरे खुद को रेफरी बनने से नहीं रोक पाए और खिलाड़ियों के बीच जाकर सभी की हौसला अफजाई करते दिखे। गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बाटी सहित लगभग सभी खेलों का आयोजन किया गया। दिन भर होती रही बरसात के बाद भी खिलाड़ियों के जोश में कोई कमी नहीं दिखी। लगातार प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस पर निगम के महापौर निर्मल कोसरे द्वारा सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा गया कि हमारे निगम क्षेत्र में खिलाड़ी प्रदेश स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए चयनित होंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उन्होंने जिंदा करने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में नगर निगम भिलाई चौरादा के पूरे 40 वार्डों में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 4 वार्डों का यहां पर आयोजन है, जिसमें वार्ड नंबर 13 जिनकी पार्षद यहां पर है शारदा जी, वार्ड नंबर 14 जिनके पार्षद देव कुमारी जी, वार्ड नंबर 15 डे साहब वर्मा जी और वार्ड नंबर 16 से हमारी छाया पार्षद मधु जी हैं। तो 4 वार्डों का यहाँ पर आयोजन है और बच्चों में काफ़ी उत्साह, वार्ड वासियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार के आयोजन में जितने भी विजेता जिला स्तर में और प्रदेश स्तर में रहेंगे उनके लिए इनामों की भी राशि उन्होंने रखी है। तो छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक है उनका आज रंगारंग शुभारंभ आज भिलाई 3 में किया गया। 40 नंबर वार्ड में भी मैं गया था, वहाँ भी सुंदर आयोजन वहाँ पर है। इसके बाद अभी भिलाई 3 के सीएसबी ग्राउंड में भी 4 वार्डों का वहाँ पर आयोजन है। वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, सिरसा के वार्ड नंबर 37 में भी आज सिरसा में आयोजन है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पूरे हमारे नगर निगम में पूरे स्वभाव में है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के खिलाड़ी जिला स्तर और प्रदेश स्तर में हमारे नगर निगम क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी दोनों वार्ड में आयोजित हो रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों में बच्चे, मध्यम आयु के युवा तथा बड़ी उम्र के लोग भी खेलों में या तो अपनी उपस्थिति खिलाड़ी के तौर पर दर्ज करा रहे हैं तो कुछ दर्शक के रूप में मैदान पर मौजूद रहकर माहौल का आनंद उठाते दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार आगामी कुछ दिनों तक खेलों का यह महाकुंभ भिलाई चरोदा क्षेत्र में जारी रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।